दोस्तों यह है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के वो 5 टीवी एक्टर्स जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम कबूल किया और इन बॉलीवुड अदाकारों ने भारत में इस्लाम को फैलाने में एक निर्णायक और अहम भूमिका निभाई है। बॉलीवुड में इस्लामिक विचारधारा को प्रसारित और प्रचारित करने में इन सभी बॉलीवुड अदाकारों का एक बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 5 टीवी एक्टर्स में पहला नाम विवियन डिसेना का आता है। दोस्तों इन्होंने हाल ही में कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया है। विवियन डिसेना ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया है। विवियन डिसेना की माने तो उन्होंने रमजान के महीने में ही इस्लाम कबूल कर लिया था और वो पिछले 2 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद उनको जो सुकून मिला है वो उनको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। इस्लाम ने न सिर्फ उनकी जिंदगी की तकदीर बदलकर रख दी है बल्कि उनको वो सुकून भी अता किया है जिसकी तलाश में वो पूरी जिंदगी भटकते रहे। विवियन डिसेना आज भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है। उन्होंने प्यार की एक कहानी, मधुबाला, सिर्फ तुम और खतरों के खिलाड़ी जैसे टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं और काफी ज्यादा शोहरत भी हासिल कर चुके हैं। वो भारत के मशहूर रियलिटी टीवी शो झलक दिखला जा के 8वें सीजन और बिग बॉस के 15वें सीजन का हिस्सा भी रह चुके हैं। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले 5 बॉलीवुड सितारों की इस लिस्ट में दूसरा नाम संजना गलरानी का आता है। दोस्तों संजना गलरानी का जन्म 10 अक्टूबर 1989 को एक हिंदू परिवार में हुआ था लेकिन उन्होंने कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हाल ही में संजना को मक्का में उमरा करते हुए भी देखा गया था। उन्होंने उमरा करने के बारे में एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर था और एक सच्चे मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारना दुनिया के सबसे बेहतरीन एहसास है। संजना गलरानी ने 2005 में तेलुगु फिल्म गोसाडू से अपने करियर की शुरुआत की थी लेकिन थोड़े ही दिनों में वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का एक नामवर चेहरा बन गई थी। इन्होंने मशहूर एक्टर प्रभास और जॉन अब्राहम के साथ मिलकर कई सारी फिल्मों में काम भी किया था। दोस्तों इस्लाम कबूल करने के बाद संजना गलरानी ने अपना नाम माहिरा खान रख दिया और बेंगलुरु के एक मशहूर सर्जन आजीज पाशा से शादी कर ली। इस्लाम अपनाने से पहले उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले 5 बॉलीवुड अदाकारों की इस लिस्ट में तीसरा नाम सुरेंद्र राजन का आता है। दोस्तों मुन्ना भाई MBBS में जादू की जप्पी देने वाले सुरेंद्र राजन ने भेदभाव से परेशान होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। साल 1938 में जन्मे सुरेंद्र राजन आमतौर पर टोपी और कुर्ते में रहा करते थे जिसकी वजह से लोग उनको मुसलमान समझकर उनके साथ भेदभाव किया करते थे और इसी बात से ही आहत होकर उन्होंने साल 2019 में अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया था। सुरेंद्र राजन की माने तो उन्हें एक एक्टर होकर जब मुसलमानों की वेशभूषा में इतना भेदभाव का सामना करना पड़ा तो फिर इस देश में मुसलमानों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती होंगी। इसी फिक्र में उन्होंने इस्लाम का अध्ययन करना शुरू कर दिया और फिर CAA आंदोलन के बीच ही अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया था। सुरेंद्र राजन की गिनती दुनिया में आज भी मशहूर फोटोग्राफर में की जाती है। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले 5 बॉलीवुड अदाकारों की इस लिस्ट में चौथा नाम आयशा टागिया का आता है। दोस्तों आयशा टागिया ने साल 2009 में अपनी मशहूर वांटेड फिल्म के बाद इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया था। गुजराती हिंदू परिवार में जन्मी आयशा टागिया ने शादी नंबर 1, टार्जन, दिल मांगे मोर और वांटेड जैसे 20 से भी ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था लेकिन अचानक से उनका चेहरा रुपहले पर्दे से ही गायब हो गया और फिर लोगों को उस वक्त बहुत बड़ी हैरत भी हुई जब उन्होंने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद आयशा टाकिया ने अबू आसिम आजमी के बेटे और मशहूर बिजनेसमैन फरहान आजमी से शादी कर ली और फिर इस तरह से अपना नाम आयशा टाकिया आजमी रख लिया। उन्होंने हाल ही में सना खान की तरह इस्लाम की तबलीग करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले 5 बॉलीवुड अदाकारों की इस लिस्ट में पांचवा नाम मोनिका रेखा मारुति राज का आता है। दोस्तों इनको भारत की सबसे प्रतिभाशाली एक्ट्रेस की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। मोनिका ने बॉलीवुड से साउथ इंडस्ट्री में 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है लेकिन लोगों को हैरानी उस वक्त हुई जब उन्होंने साल 2014 में अचानक मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम MG रहीमा रख लिया
दोस्तों मोनिका ने सिर्फ इस्लामी कबूल नहीं किया बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी शादी एक मुसलमान बिजनेसमैन मलिक सुल्तान से की। इन दो परिवारों में जन्मी मोनिका को आज खुलेआम इस्लाम का प्रचार और प्रसार करते हुए भी देखा जा सकता है। इन सब लोगों के अलावा भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आरिफ खान से लेकर सना खान और जारा वसीम तक ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो अब दीन के दाई और इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग बन चुके हैं, जिनको अक्सर दीन की दावत देते हुए देखा भी जा सकता है। वैसे इस्लाम कबूल करने वाले इन बॉलीवुड एक्टर्स ने आपको कितना ज़्यादा प्रभावित किया है हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारा इस YouTube चैनल नेटवर्क फ्लाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।